For the first time since a mysterious pneumonia-like illness broke out in China, the coronavirus is spreading rapidly across Australia with Pakistan two more cases. Se pehla mariz intiqal kar gaya hai. The entire state of California is now in lockdown. In Italy, nearly 800 people have died within New Zealand's prime minister is taking radical steps to contain COVID-19 there. Coronavirus taking a devastating toll. Confirmed cases now top 300,000. Iran's health ministry confirmed a total of 64 cases. Coronavirus cases have been increasing in India rapidly with now. Let's turn to Spain now. There has been a big increase in the number of coronavirus deaths. Saudi Arabia coronavirus ka khatra khana Kaaba se mulk ka sehen mataf aur Baba Jibril ko band kar diya gaya. Go home and stay home. Stay at home. 200 साल पहले तक दुनिया की आबादी 1 अरब से ज़्यादा ना थी, लेकिन जैसे जैसे इंसान की ताकत में इजाफा होता गया, दुनिया की आबादी बढ़ती गई। इंसानी आबादी में इजाफे ने लालच और जुल्म में भी इजाफा किया। ताकतवर लोगों ने अपने आप को नाकाबिले तस्खीर समझना शुरू कर दिया, लेकिन आज वो सब जो अपने आप को नागुज़ीर और नाकाबिले तस्खीर समझते थे, कोरोना वायरस से भागते फिर रहे हैं। सब कारोबार बंद हो रहे हैं, सिर्फ एक कारोबार फैल रहा है, ये मुर्दे दफनाने और उनकी आखिरी रसूमात के अहतमाम का कारोबार है। सुपर पावर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बेवकूफ़ी से न्यूयॉर्क को कोरोना वायरस फैलाने का सबसे बड़ा मरकज़ बना दिया। जब कोरोना से लड़ने का वक्त था तो ट्रंप अपने मीडिया से लड़ रहा था। बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन मीडिया से लड़ाई में 2 कदम आगे चले गए। जब मीडिया ने कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ मौसूफ के इकदाम को नाकाफी करार दिया तो बोरिस जॉनसन ने मीडिया को नीचा दिखाने के लिए डॉक्टरों की हदायत को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया और लोगों से हाथ मिलाना शुरू कर दिया। अब मौसूफ कोरोना वायरस का शिकार बन चुके हैं और अपने कमरे में बंद हैं। मीडिया के ख़िलाफ़ यह अहमकाना झगड़ालूपन कई ताकतवर लोगों को इबरत का निशान बना रहा है। यह वक्त इत्तेहाद कायम करने का है, लेकिन कुछ हुक्मरान और उनके खुशामदी वज़ीर मशीर कौम को तकसीम करने में मसरूफ़ हैं। इस वक्त जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस के हमले से परेशान है, तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ओपोजिशन और मीडिया को ज़ेर करने के जनून में मुब्तला हैं। हुकूमत और नैब की वजह से मीडिया ने बहुत देर से कोरोना वायरस की तरफ तवज्जो दी। हुकूमत के कुछ वज़ीरों और मशीरों के तर्ज गुफ्तगू से ये खदशा महसूस होता है कि वो अपनी नाहलियों और नालायकियों पर पर्दा डालने के लिए कोरोना वायरस से अमवात की जिम्मेदारी भी मीडिया पर डालने में झिझक महसूस नहीं करेंगे। कोई कहता है कोरोना वायरस अल्लाह का अजाब है, कोई कहता है अजाब नहीं इम्तिहान है। 2009 ज़्यादा पुरानी बात नहीं, मेक्सिको से एक स्वाइन फ्लू नामी वबा फैली थी जिसमें लाखों लोग मर गए थे। इससे पहले ताउन हैज़ा इन्फ्लुएंजा और जर्द बुहार जैसी आलमी वबाओं को भी ये दुनिया देख चुकी है। कुछ बरसों से हमें डेंगू वायरस का भी सामना है, लेकिन किसी वबा ने इतनी दहशत नहीं फैलाई जितनी कोरोना वायरस ने फैला रखी है। इस वायरस से अमरीका सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है और अमरीका में ही सबसे ज़्यादा हलाकतें हुई हैं। साइंसदानों ने खबरदार किया है कि सूरत हाल इससे भी ज़्यादा ख़राब होगी। इंपीरियल कॉलेज लंदन की हालिया तहकीक के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से रवा साल 4 करोड़ अफराद की हलाकत का खदशा है। माहिरीन का ये भी कहना है कि मगरबी ममालिक में मरीजों की तादाद में इसलिए तेज़ी से इजाफा देखा जा रहा है क्योंकि वहाँ टेस्ट की बेहतरीन सहूलियात मौजूद हैं, जबकि चीन और ईरान में इन सहूलियात का फुकदान था। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और जनूबी एशिया के दीगर ममालिक में मार्च 2020 के अहतमाम तक शरह अमवात बहुत ज़्यादा नहीं थी, मगर अप्रैल के महीने में शरह अमवात में इजाफा हुआ है जो ख़तरे की अलामत है। दुनिया की जौहरी क़ुव्वतें भी कोरोना वायरस के आगे बेबस नज़र आ रही हैं। इसने अमेरिका के सुपर पावर होने के गरूर को हाक में मिला दिया, जबकि दीगर मगरबी ममालिक की हकीकत भी आयां हो चुकी है। गुज़िश्ता कई सालों से चीन अमेरिका की इक्तसादी ताकत को चैलेंज कर रहा था, लेकिन कोरोना वायरस ने दोनों ममालिक की ताकत पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है।
चीन ने कोरोना वायरस को कंट्रोल करने का वाहिद हल लॉकडाउन निकाला और अब पूरी दुनिया उसी चीनी मॉडल पर अमल पेरा है। इराक के एक रहनुमा ने 11 मार्च को ट्वीट करके कहा कि सदर ट्रंप ने अपने दुश्मन ममालिक में कोरोना वायरस फैलाया, तमाम जोहरी कुवतों की स्टॉक मार्केटें क्रैश हो चुकी हैं, कारोबार बंद हैं, सिर्फ तजहीज़ो तकफीन का अमल तेज़ी से जारी है। हकीकत यह है कि चीन और अमेरिका के साइंसदान 2007 से कोरोना वायरस के ख़तरे से आगाह कर रहे थे, मगर कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। अक्टूबर 2007 में क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी रिव्यूज़ नामी मुतालिया शाया हुआ, जिसमें कहा गया था कि चीन में ख़तरनाक वायरस के हवाले से सूरत हाल टाइम बम जैसी है। बहुत से मुमालिक में बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी और गुर्बत में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान और भारत ने मजबूत सेहत का निज़ाम बनाने की बजाय असलाह खरीदने में ज़्यादा रकम खर्च की। अब हमें इस जंगी जनून की भारी कीमत अदा करनी पड़ रही है। यही वक्त है कि अब आपस की लड़ाई को ख़त्म किया जाए और मिलकर कोरोना वायरस का मुकाबला किया जाए। ये लिखना आसान है, ये कहना आसान है, मगर इस पर अमल हमारे रहनुमाओं के लिए मुश्किल है। दर हकीकत उनकी अना हमारे मुश्तरका मसाइल से बड़ी है। शोबाए सेहत के माहिरीन ने सख्ती से खबरदार किया है कि पंजाब और मरकज की सियासी क़यादत इस हकीकत को समझने से कासिर है कि 21 रोज़ के मुकम्मल लॉकडाउन के बगैर कोरोना वायरस को शिकस्त नहीं दी जा सकती। वायरस को मुकम्मल शिकस्त देने के लिए लॉकडाउन का दुरानिया बढ़ाना भी पड़ सकता है। इस लॉकडाउन से मुअशियत को ज़रूर नुकसान पहुँचेगा, मगर हम इससे हज़ारों कीमती जानें बचा सकते हैं। महकमा सेहत पंजाब के एक आला अफसर का कहना है कि पंजाब में लोगों की जानें इस तरह जाने का खदशा है जैसे खजान में पत्ते झड़ते हैं। अगर हुकूमत नहीं जाग रही तो पाकिस्तान के अवाम को जागना चाहिए।